चंद्रयान 2 मिशन इसरो का जो 95% सक्सेस हुआ है, वही बनी 5% अभी फेल होने के कगार पे है, क्योंकि विक्रम को अभी उठना है और 5% काम पूरा करना है। इसके लिए जरूरी है इसरो के साथ विक्रम का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना और उसके बाद कंट्रोल करना। क्या आप जानते हैं इसरो कैसे चंद्रयान या फिर विक्रम या प्रज्ञान को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है उसके साथ? और क्या आप ये जानते हैं कि ये कम्युनिकेशन में कितना टाइम लगता है, यानी यहाँ से एक सिग्नल भेजा जाए तो वहाँ पर कितने देर बाद सिग्नल पहुँचता है और काम होता है? ये सभी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, और मैं हूँ भास्कर, आपका दोस्त और होस्ट, और बने रहिए रहस्य लैब में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन होता है या फिर ये जो रिमोट कंट्रोलिंग होता है, ये कैसे होता है। आपने तो बहुत बार रिमोट कंट्रोल कार देखे होंगे या फिर उनसे खेले भी होंगे। रिमोट कंट्रोल रहता है और उनसे आप ऑपरेट करते हैं उस कार को, आगे जाना है, पीछे जाना है, दाहिने जाना है या बाएं जाना है। वैसे ही कंट्रोलर रहता है इसरो के पास, जिससे चंद्रमा पर सिग्नल भेजा जाता है। इसके लिए जरूरत होता है डीप स्पेस नेटवर्क की, जिसे कहा जाता है DSN। दुनिया में ऐसे सिर्फ 6 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपना DSN है। USA यानी अमेरिका, रशिया, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया, यानी हमारे पास भी है अपना DSN, जो कि इसरो ने खुद तैयार किया है इंडियन टेक्नोलॉजी से। तो ये जो DSN है, ये कहाँ पे है? ये DSN रखा हुआ है बेंगलोर के नजदीक बयालालू में। तो इंडिया के पास जो DSN है वहाँ पर क्या क्या है? भारत का DSN 3 एंटेनाओं में बटा हुआ है। 3 एंटेनाओं के सिग्नल जोड़ के ये DSN बनाया गया है भारत में। एक एंटेना है 11 मीटर का, एक है 18 मीटर का यानी 18 मीटर, और एक है 32 मीटर का एंटेना। जो 18 मीटर का एंटेना है वो चंद्रयान 1 के समय बनाया गया था, और ये अभी बहुत सारे मिशन को आगे सर्विस देने वाले हैं। इंडिया का जो DSN है इसे कहा जाता है IDSN। IDSN में जो 32 मीटर का वाला एंटेना है वो स्पेस से जुड़े बहुत कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत का बहुत सैटेलाइट्स है उसे कंट्रोल किया जाता है। और चंद्रयान 2 के लिए इसरो ने जो कंट्रोल रूम खोला है उसका नाम है ISTRAC, इस ट्रैक शॉर्ट में कहा जाता है। लेकिन भारत के पास सिर्फ एक ही DSN है, और कंट्रोल करना है बहुत सारे सैटेलाइट को। इसके लिए भारत ने मांगे हैं नासा का साथ, क्योंकि नासा के पास है मल्टीपल DNA स्टेशन, जो कि है मद्रिद, कैनवेरा और गोल्डस्टोन। तो इसरो का जो चंद्रयान 2 का लैंडर है उसका जो सिग्नल है वो नासा के DSN नेटवर्क गोल्डस्टोन के जरिए मिल रहा है। हाँ, इसरो का डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है, लेकिन वो बैकअप कम्युनिकेशन के साथ साथ वो हेल्पिंग हैंड भी है। और सभी जो डाटा होता है वो सिग्नल आता है इसरो के वही रिमोट कंट्रोलिंग स्टेशन पे, और यहाँ से जो सिग्नल भेजा जाता है वही नासा के गोल्डस्टोन DSN के जरिए और भारत के IDSN के जरिए। अब बात करते हैं कितना समय लगता है। पृथ्वी से मून का डिस्टेंस है 3.8 लाख किलोमीटर, और ये जो DSN से और इस ट्रैक से सिग्नल भेजा जाता है, यानी जो रिमोट कंट्रोलिंग किया जाता है, वहाँ पर एक सिग्नल भेजने के लिए 1.2 सेकंड से लेकर 1.6 सेकंड लगता है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर या फिर विक्रम या फिर प्रज्ञान को रिसीव करने में। तो दोस्तों, इसरो या फिर चंद्रयान के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।